टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांसू टाइम्स से, मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है आपका चुनावी दंगल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है, इसी बीच हमारी टीम पहुंची अररिया। अररिया जिला के रानीगंज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 7 से वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी प्रदीप कुमार झा व उनके प्रतिनिधि राकेश कुमार झा से हमारे संवाददाता विकास कुमार की खास बातचीत हुई है। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार की इस रिपोर्ट में। सर, हमारे चैनल में स्वागत। जी हाँ, मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे वार्ड में, यानी वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत बहुत गरीब तबके के लोग हैं। मैं जब जीत के आऊँगा तो मैं सर्वप्रथम, मेरे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, सर्वप्रथम उसके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ निश्चित दिलाऊँगा। पहला मेरा उद्देश्य ही है। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि मैंने किसान जो गरीबी रेखा के अंतर्गत जो किसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा जो आवंटित किया जा रहा जो लाभ है, वह मैं अवश्य दिलाऊँगा। तीसरा मेरा प्रधानता रहेगी कि मातृ जो लाभ मिलता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बाद, जो सरकार के द्वारा जो महिला सब के लिए जो जितने भी योजना चलाई गई है, उस सारा लाभ हम अपने वार्ड के सभी महिलाओं सबको उपलब्ध कराने का मेरा संपूर्ण प्रयास रहेगा। साथ ही हमारे वार्ड में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जिसको गरीबी रेखा का अनाज दिया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी फ्री में अनाज दिया जाता है, उसमें जो यहाँ के जनवितरण प्रणाली जो अपनी मनमानी चलाती है, 1 रुपया किलो अनाज में फायदा भी लिया जाता है, पुनः उससे 5 किलो प्रत्येक यूनिट पर उसको काटा जाता है। यानी जिस राशन कार्ड में 5 व्यक्ति के नाम है, उसे 25 किलो अनाज दिया जाता है, 25 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है, 50 केजी की जगह पर वह जनवितरण प्रणाली उसको 40 किलो अनाज दिया जाता है, उस पर अच्छा भी व्यवहार नहीं करता है। इस पर मैं जीत करने के बाद मैं वार्ड सभा का आयोजन करूंगा, उसमें मैं जनवितरण प्रणाली को आमंत्रित करूंगा, उसमें अनुमंडल पदाधिकारी रहेंगे, साथ ही हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उपस्थित करवा करके उसको हम मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। इतना ही नहीं, मैं अपने वार्ड के सभी गरीब महिला को, सभी गरीब परिवार को जितना भी अधिक से अधिक लाभ होगा, मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। साथ ही हम किसी भी तरह का हमारे वार्ड में सड़क दुर्घटना जो होती है, बराबर होते रहता है, उसमें जो भी सरकार के द्वारा चलाई गई जो योजना है, उस योजना का मैं सरकार से लड़ के उसको हम दुर्घटना का के जो अंतर्गत जो राशि दिया जाता है, जो लाभ दिया जाता है, मैं सरकार के द्वारा मैं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया हूँ। साथ ही जमीन विवाद की मामला फिलहाल ज़्यादा चल रही है, जमीन विवाद के मामला में मैं निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं अपने जनता से कि मैं हर हालत में जमीन के विवाद को अपने वार्ड में लगभग हम 9 महीने के अंदर में या साल भर के अंदर में उसको निष्पादन कर दूंगा। इतना ही नहीं, हमारे वार्ड के किसी भी जनता के साथ किसी भी बढ़िया पदाधिकारी अंचल में किसी भी प्रकार का जो रिश्वत लेता है, मैं उसको सजा के लिए मिटाने का प्रयास करूँगा। साथ ही यदि हमारे वार्ड में किसी भी तरह का बाहरी लोग यदि किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार किसी महिला के, किसी माँ के, किसी बहन के साथ यदि करेगा, जैसे पेपर में हम लोग सुनते हैं बराबर होते रहता है, उसको मैं जड़ से मिटाने का प्रयास करूँगा। साथ ही मैं थाना अध्यक्ष से भी आग्रह करूँगा कि हमारे वार्ड में गश्ती गाड़ी का प्रबंध सुदृढ़ अवस्था में किया जाए, किसी भी तरह का उसमें लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। यदि मेरी बात को अवहेलना करेंगे माननीय प्रशासन विभाग, उसके लिए बढ़िया पदाधिकारी मैं लिखित सूचना दूंगा। साथ ही मेरे किसान भाइयों को जो खाद का आवंटन किया जाता है सरकार के द्वारा, पैक्स के द्वारा, उसमें किसी भी तरह का मनमानी कोई मतलब किसान के साथ होने के लिए नहीं दूंगा। अभी वर्तमान में ब्लैक से कोई काम होता है, खाद ब्लैक से दिया जाता है, उस पर रोक लगाऊंगा। किसान के साथ में सही उन्नत बीज, उन्नत खाद के जो कोई हेरा फेरी करता है, मैं उसमें मैं जो कानून के द्वारा जो बात होगी, मैं उसको सुदृढ़ कराने का मैं प्रयास करूंगा। सर, प्रदीप कुमार झा को वोट क्यों करें? इसीलिए अभी तक जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उसमें आपने क्या क्या काम किया है जनता? जी हाँ, मैं वर्ष 2006 में मैं जब आए थे, वार्ड पार्षद में जो जीते थे, वार्ड सदस्य में मेरी पत्नी जीती थी, मैं उनके नेतृत्व में सभी अपने वार्ड के सभी गरीब तबके के लोगों को गरीबी रेखा का कार्ड बनाए थे और BPL में नाम चढ़वाए थे। साथ ही जहां उस समय में इतना आवंटन सरकार के द्वारा नहीं दी गई थी, सारे आवंटन को पुनः सरकार से मांग करते हुए घर घर में हम हर गली में उस समय में ईटा सोलिंग मट्टीकरण का काम होता था, मैं सरकार से लड़ के आवंटन करवा कर करके मैं अपने वार्ड को सड़क योजना का
संपूर्ण लाभ दिलाए। साथ ही हमारे वार्ड नंबर 12 में जो जीत का आए थे 2006 में, फिर उसका नेक्स्ट में आए थे, उसमें बिजली का कहीं साधन नहीं था, मैं उसमें बिजली का खंभा गड़वाए और बिजली का खंभा गड़वा करके बगल में वहाँ पर एक विश्वहरी बाबा का थान था, वहाँ का पूरा भेपर लाट का व्यवस्था करवा करके मैंने जलवाया अपने वार्ड में। इसी सब साथ ही किसी भी तरह का जमीनी विवाद होता था, मैं तुरंत वहाँ पर अपना उपस्थिति दे करके और स्थानीय लोगों के सहयोग से उसमें उसका सारा काम को निपटारा करते थे। सभी गरीब आदमी को मैं दिलाने का प्रयास करूँगा। सर, हमारे पापा और हमारे मम्मी पिछले लगभग 20 वर्षों से जो है समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और पिछले 20 वर्षों में 15 वर्ष तक पद पे रहे हैं वार्ड सदस्य, वार्ड संख्या वार्ड नंबर 12 में। और हमारे पापा जो है हमारे वार्ड नंबर 12 के में जितना अधिक से अधिक जनता का जो होता है ना समस्या, उसके समस्याओं के लिए सोचे हैं, उसका निदान किए हैं। मैक्सिमम घर में BPL का कार्ड, अनाज का उठाव, उसके बाद किरासन तेल का रख रखाव, ये सारा चीज, ठीक है ना, सारा चीज किए हैं। और किसी भी तरह का यदि खास करके भू विवाद हो तो उसको तो सलटने का प्रयास किए हैं पिछले 15 वर्षों में, ठीक है। लेकिन सर, मेरा अपील है कि अगर इस बार जनता हमारे पापा को अगर भारी मतों से अगर विजयी बनाती है तो हमारा जो मेरा मतलब मुख्य उद्देश्य है कि हमारे वार्ड में जितने भी गरीब तबके के व्यक्ति हैं जिनको रहने का घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उसको आवास मुहैया कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर हमारे वार्ड में भगवान न करे किसी के साथ अनहोनी हो, यदि सड़क दुर्घटना यदि होती है तो सड़क दुर्घटना योजना सहायता योजना के तहत उस व्यक्ति को, उस परिवार को 4 लाख रुपए का जो है अनुदान राशि सरकार से दिलवाने का प्रबंध करेंगे। कोरोना जैसे महामारी के दौरान हमारे वार्ड में बहुत मतलब कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि अनाथ हो गए हैं, जिनका बच्चा अनाथ हो गया, मम्मी पापा उसके गुजर गए हैं, वैसे बच्चों को जो है परवरिश योजना के तहत 1000 रुपये पर मंथ की राशि दिलवाएंगे। और जितनी भी माताएं, गर्भवती महिलाएं होती है, माताएं हैं और बहनें हैं, उनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है उनको उनका लाभ दिलवाएंगे। साथ ही गरीब और जैसे भी किसान है, किसान के साथ बहुत तरह की समस्याएं होती है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है उसे उसकी राशि दिलवाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में हमारे वार्ड में जितनी भी बहनें होंगी या माताएं होंगी जिन्हें सिलाई का अनुभव है, जो सीने के लिए आता है, तो प्रधानमंत्री फ्री सिलाई सिलाई मशीन योजना के तहत उसको सिलाई मशीन खरीदने की जो राशि है वो दिलवाएंगे। साथ ही गरीब परिवार जो अपने बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं अच्छे ढंग से, बहुत दिक्कत में रहते हैं, तो विवाह सहायता अनुदान योजना के तहत उसको जो है सरकार से मदद दिलवाएंगे। साथ ही विकलांग पेंशन योजना के तहत जितने भी हमारे वार्ड में विकलांग भाई लोग हैं उनको जो है उसकी राशि पेंशन पर मंथ पेंशन जो है उनका प्रबंध करवाएंगे। जितने भी मतलब असहाय महिला है उसको पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो है पर मंथ का जो है हम जो मिलता है पेंशन मिलता है वो दिलवाएंगे। और विधवा जितनी भी होंगी हमारी वार्ड में उसको विधवा पेंशन योजना के तहत लाभ दिलवाएंगे। और प्रयास रहेगा कि हमारे वार्ड में जहाँ जहाँ ये 11,000 का तार आया हुआ है और नीचे कवर नहीं किया गया है, नीचे में जाल लगवाएंगे ताकि तार नीचे ना गिरे, जाल पे रहे, किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। और जैसा कि आज पेपर में दिया है, मतलब हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना जो थी, यानी कि जिसके तहत जो है अनाज दिया जा रहा था गरीब मतलब हर व्यक्ति को, पर मतलब समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सबको, पर एक बच्चे तक को 5 kg अनाज, तो 5 kg अनाज पैसा लेके दिया जा रहा था और 5 kg अनाज जो है वो फ्री में दिया जा रहा था। और आज पेपर में पढ़े बहुत खुशी हुई, केंद्र सरकार की तरफ से योजना लाई गई है जिसमें कि अनाज फ्री में दिया जाएगा, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। लेकिन मेरा ये प्रयास होगा हमारे वार्ड में जो डीलर जो है रुपया में मतलब किलो में 1 रुपया ज़्यादा लेते हैं और अनाज भी एक व्यक्ति पे 1 किलो कम देते हैं। 5,000 पॉपुलेशन है हमारे वार्ड में, 5 से 6,000, और एक व्यक्ति से यदि अगर 1 kg अगर काटते हैं तो 6,000 kg पर मंथ का अनाज काट लिया जाता है और किलो में भी जो है 1 रुपया ज़्यादा लिया जाता है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा गबन होता होगा। तो मेरा ये प्रयास होगा कि अब तो पैसा भी नहीं लेना, केंद्र सरकार बोल दी है तो एकदम 1 भी kg अनाज कटने नहीं देंगे, जितना अनाज मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, परिवार के हर व्यक्ति को मिलेगा। अगर किसी परिवार में 10 व्यक्ति है तो 10 50 kg अनाज अब मुफ्त मिलेगा, ना अनाज कटने देंगे और ना ही पैसा वसूलने देंगे। जहां भी रिश्वतखोरी होता है रिश्वतखोरी को खत्म कर देंगे। हमारा वार्ड नंबर 7 की जनता से यह आग्रह है कि हमारे ईवीएम मशीन जो होगा, ठीक है ना,
उस पे क्रम संख्या 6 पे काट गाड़ी छाप, हमारे पापा का जो छाप है उस पे बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे और सेवा करने का अवसर प्रदान करें और एक चुने नेक चुने उसे चुने जो सबकी सुने। मेरा नाम हुआ राकेश कुमार झा, हमारे पापा का नाम है श्री प्रदीप कुमार झा, हम पेशे से एक टीचर हैं और हमारा ये भी प्रयास होगा जीत के आने के बाद हमारे वार्ड में जितने भी बच्चे पैसे की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं सबको समुचित शिक्षा का प्रबंध करवाएंगे। हमारी बातचीत प्रदीप कुमार झाजी और उनके पुत्र जो प्रतिनिधि हैं चुनाव देख रहे हैं उनसे हुई, काफ़ी कर्मठ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई काफ़ी दूर दूर तक है और इनके इनके अंदर जो जज्बात है हम इनके जज्बातों का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से वार्ड की जनता इनको समर्थन दे रही है तो इनके अंदर जो बदलने की जो भाव। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।